हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यहाँ पे तमिलनाडु प्रीमियर लीग T20 जो हो रहा है, तो यहाँ पे इसके बारे में, यहाँ पे जो ड्रीम इलेवन का पॉइंट सिस्टम है, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरह से पॉइंट्स का यूज करके आप रैंकिंग हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से पॉइंट्स इसमें दिया जाता है, तो यहाँ पे जो ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन उसके बारे में खास यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे किस किस तरह से पॉइंट्स आपको मिलेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बैटिंग पॉइंट्स के बारे में। जब कोई प्लेयर बैटिंग करने आता है तो यहाँ पे इस तरह से आपको पॉइंट्स दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर कोई प्लेयर एक रन मारता है तो आपको एक पॉइंट्स मिलेगा। अगर कोई चौका मारता है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेगा, 4 पॉइंट्स रन का मिलेगा और 1 पॉइंट्स बोनस के रूप में आपको मिलेगा। अगर कोई छक्का मारता है तो छक्का मारने का आपको 8 पॉइंट्स मिलेगा, 6 रन हो गया छक्का मारने का और 2 पॉइंट्स हो गया बोनस के रूप में, तो टोटल आपको 8 पॉइंट्स मिलेगा। और 30 रन मारने पर आपको 4 बोनस के रूप में आपको पॉइंट्स मिलेगा। जितना भी रन्स बनता है उसमें 4 प्लस पॉइंट्स और जुड़ जाएगा 30 रन मारने के बाद। और यहाँ पे अगर 50 रन कोई मार देता है तो 50 रन मारने के बाद जितना भी पॉइंट्स बनता है उसमें 8 पॉइंट्स और जुड़ जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई शतक मारता है तो शतक मारने के बाद जितना भी पॉइंट्स बनता है तो यहाँ पे आपको 16 पॉइंट्स और जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ बॉलिंग पॉइंट्स के बारे में कि अगर कोई बॉलर एक विकेट लेता है रन आउट को छोड़कर तो आपको 25 पॉइंट्स मिलता है। अगर कोई बॉलर विकेट लेता है LBW या बोल्ड करके जो आउट करता है तो आपको प्लस 8 पॉइंट्स बोनस के रूप में मिलता है। तो यानी कि टोटल आपको एक विकेट लेने का 33 पॉइंट्स मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई बॉलर 3 विकेट लेता है एक ही मैच में तो यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स बनता है उसमें 4 प्लस पॉइंट्स और जुड़ जाएगा। और वहीं में और 4 विकेट अगर कोई लेता है तो 4 विकेट लेने के बाद जितना भी पॉइंट्स बनता है उसमें 8 प्लस पॉइंट्स और जुड़ जाएगा। अगर 5 विकेट लेता है एक ही मैच में तो 5 विकेट लेने के बाद जितना भी पॉइंट्स बनता है उसमें 16 पॉइंट्स और जुड़ जाएगा। और यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ अगर कोई बॉलर मेडन ओवर करता है तो मेडन ओवर करने के आपको 12 पॉइंट्स दिया जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ फील्डिंग पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर कोई फील्डर एक कैच लेता है तो आपको 8 पॉइंट्स दिया जाता है। अगर कोई फील्डर 3 कैच लेता है तो 3 कैच लेने के बाद यानी कि 3 कैच लेने के बाद जितना भी पॉइंट्स बनता है यानी कि 24 पॉइंट्स बनेगा 3 कैच लेने के बाद। और यहाँ पे बोनस आपको 4 पॉइंट्स मिलेगा यानी कि 28 पॉइंट्स आपको मिल जाएगा 3 कैच लेने के बाद। और यहाँ पे अगर स्टंपिंग आउट करता है तो स्टंपिंग आउट करने के आपको 12 पॉइंट्स दिया जाता है। और यहाँ पे अगर रन आउट डायरेक्ट हिट करके करता है तो यहाँ पे 12 पॉइंट्स आपको दिया जाता है। अगर रन आउट डायरेक्ट हिट करके नहीं करता है, दो को मिल के रन आउट करता है तो 6-6 पॉइंट्स दिया जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कुछ अदर पॉइंट्स है, जैसे कि कैप्टन का आपको 2 गुना पॉइंट्स मिलता है, वाइस कैप्टन का आपको 1.5 गुना पॉइंट्स मिलता है। और यहाँ पे जब प्लेयर को आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको 0-0 पॉइंट्स दिखाई देगा और जब मैच स्टार्ट हो जाएगा तो 4-4 प्लस पॉइंट्स यहाँ पे दिया जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ इकोनॉमिक रेट पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर कोई बॉलर 5 रन पर ओवर देता है या इससे कम देता है तो आपको 6 पॉइंट्स मिलेगा। और अगर कोई बॉलर 5 से लेकर 5.99 रन पर ओवर देता है तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेगा। अगर 6 से 7 रन पर ओवर देता है तो आपको 2 प्लस पॉइंट्स मिलेगा। और अगर 10 से 11 रन पर ओवर देता है तो आपको -2 पॉइंट्स मिलेगा। और अगर 11.01 से लेकर 12 रन पर ओवर देता है तो आपको -4 पॉइंट्स मिलेगा। अगर 12 रन से ज़्यादा पर ओवर देता है तो -6 पॉइंट्स आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ड्रीम इलेवन ने TNPL जो तमिलनाडु प्रीमियर लीग स्टार्ट हो चुका है तो इस तरह से आपको पॉइंट्स मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।